अब तक हम जो कीवर्ड रिसर्च कर रहे थे वो ऑनलाइन बिजनेसेस से रिलेटेड था या फिर वो एक ऐसे बिजनेस से रिलेटेड था जिस पे लोग खुशी से नहीं बल्कि एक मजबूरी के तहत जाते हैं, जैसे कि डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट के पास आप तभी जाते हैं जब आपको दर्द होती है या आपने कोई प्रोसीजर करवाना होता है। लेकिन क्या एक ऐसा बिजनेस भी हो सकता है जिसमें लोग जाना भी चाहें लेकिन उनको मजबूरी भी ना हो? जी हाँ, रेस्टोरेंट एक ऐसा बिजनेस है जिस पर आप खाने जाते हैं और नॉर्मली लोग खाना खाने खुशी से जाते हैं और आप लोग वहाँ जाकर बैठना और उस एक माहौल में बैठना पसंद करते हैं। सवाल ये है कि क्या एक रेस्टोरेंट को डिजिटल मार्केटिंग या सर्च मार्केटिंग या SEO हेल्प कर सकती है? इस केस स्टडी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ज़रा एक चीज़ ये क्लियर कर दूँ कि किसी भी तरह से आपने ये नहीं सोचना कि एक मार्केटर एक स्पेसिफिक बिजनेस को ही टारगेट करता है। एक मार्केटर को रेडी रहना चाहिए हर उस बिज़नेस के लिए जो उसके पास आए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का प्रोसेस और SEO का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यही वजह है कि हम बार बार आपको इससे गो थ्रू करवा रहे हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि प्रोसीजर वही रहेगा लेकिन सिर्फ इंटेंट बदलती रहेगी। आपको कोई भी बिज़नेस दिया जाए, आपको इस काबिल होना है कि आप अल्टीमेटली इसको ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हर तरह का बिज़नेस हर तरह की ऑडियंस रखता है। तो अगर आप बिज़नेस को अंडरस्टैंड कर लेंगे, उनकी प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आप अल्टीमेटली उनकी ऑडियंस को अंडरस्टैंड कर लेंगे। जब आप उनकी ऑडियंस को अंडरस्टैंड कर लेंगे तब आप उनकी इंटेंट भी क्लियर समझ जाएंगे कि अगर एक कस्टमर ने या एक किसी में सर्च करना है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को तो क्या लिख के सर्च कर सकेगा। और ये भी याद रखें कि अगर आपको ये नहीं पता कि आपने कीवर्ड सर्च स्टार्ट कहाँ से करनी है, तो आप अल्टीमेटली अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि हमें कुछ ऐसे वर्ड्स दें जो अगर आपने अपने बिज़नेस को सर्च करने के लिए ढूंढने हों तो आप क्या लिखेंगे, तो आपको क्लाइंट हेल्प कर देंगे। इसमें कोई शर्म नहीं है कि आप उनसे पूछें कि भाई ये आपका बिज़नेस है या आप बेहतर जानते हैं, हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी है लेकिन आपको हमें हेल्प करना पड़ेगा। तो वो आपको हेल्प करने के लिए तैयार होंगे और उनको आपको हेल्प करना भी चाहिए क्योंकि वो अपने बिज़नेस को बेहतर जानते हैं बट आप डिजिटल मार्केटिंग को बेहतर जानते हैं। इस केस स्टडी में हम भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या हम किसी रेस्टोरेंट को डिजिटल मार्केटिंग यानी कि सर्च मार्केटिंग से हम हेल्प कर सकते हैं, क्या वो रीजंस हैं या क्या कैसे वो हम करेंगे कि एक रेस्टोरेंट चाहे कि वो आपको पैसे दे SEO करने के, या अगर आप खुद रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो आपको लगे कि हाँ मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए SEO के ऊपर क्योंकि अल्टीमेटली ये मेरे सेल्स में हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं। तो मैं गूगल एड्स में लॉगिन करूंगा और उसके कीवर्ड टूल पे जाऊंगा, यहां पर लिखूंगा रेस्टोरेंट। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि मुझे गूगल काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स दिखाएगा जिसमें रेस्टोरेंट से रिलेटेड सर्चेज होंगी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लोग जब रेस्टोरेंट सर्च करते हैं या खाना खाने के डिसाइड करते हैं तो बेसिकली डिशेस का नाम या एक कुजीन का नाम सर्च करते हैं। तो लेट्स सपोज हो सकता है कि आपको थाई खाना है या आपको चाइनीज़ खाना है या आपको कॉन्टीनेंटल खाना है, आप उस तरह से सर्च करेंगे। लेकिन आप अपनी कीवर्ड सर्च जब स्टार्ट करेंगे तो वो रेस्टोरेंट से ही करेंगे। सो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस वक्त रेस्टोरेंट के अगेंस्ट जो सर्चेज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, फिर डाइनर हैं, लंच है, सी फूड है, चाइनीज़ रेस्टोरेंट हैं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, गोरमे रेस्टोरेंट, और करते करते वहाँ पर एक लाइन लगी हुई है जो कि वो लोग ढूंढ रहे हैं उन रेस्टोरेंट्स को ढूंढने के लिए। सवाल ये है कि कितने रेस्टोरेंट्स हैं जो सर्च पे इन्वेस्ट करते हैं और इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट रैंक करते हैं। आमतौर पर इन रेस्टोरेंट्स को ये लगता है कि उनको SEO की ज़रूरत नहीं है या उनको वेबसाइट की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि सर्च पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको क्या खाना है और वो एक्चुअली जाकर गूगल पे सर्च करते हैं उन रेस्टोरेंट्स की जो कि उनको अच्छे लगें या उन डिशेस की जो कि उन्होंने कभी ट्राई ना की हो या फिर उन प्लेसेस की जहां पर उन्होंने कभी खाया ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ये कीवर्ड देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, ग्रेट प्लेसेस टू ईट। अब ये वो लोग सर्च कर रहे हैं जो मे बी बोर हो चुके हैं एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट से या उनको एक नई जगह पे जाना है या उनको एक नया एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप क्यों नहीं एक रेस्टोरेंट होने के नाते उनको हेल्प करें अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप कैसे बेहतर हैं या आप कैसे ऊपर आ सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई बेस्ट फिश रेस्टोरेंट ढूंढ रहा है और अगर आप फिश सर्व करते हैं तो आपके लिए ये कीवर्ड बेहतरीन है कि अगर कोई सर्च करे बेस्ट फिश रेस्टोरेंट तो आप उसको मिल जाएं। अगर आप नहीं मिल रहे तो आप इसको लूज़ करेंगे। अगर आप कुजीन स्पेसिफिक रेस्टोरेंट हैं या आप फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट डिश पेश कर रहे हैं जैसे जापानीज़ होगी, चाइनीज़ होगी, या आप फास्ट फूड में हैं, तो आपको उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना है। ये डिफरेंट कीवर्ड्स हमें अंडरस्टैंड करवाते हैं कि किस तरह से लोग अपनी एपेटाइट को यानी कि अपनी भूख को
सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में खाने के शौकीन हैं और वो ऑनलाइन ज़रूर सर्च करते हैं कि हमें किस रेस्टोरेंट में जाके खाना चाहिए और हमें क्या डिश खानी चाहिए या कौन सी ऐसी नई चीज़ें अवेलेबल हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप एक रेस्टोरेंट हैं या आप रेस्टोरेंट की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपको ये कीवर्ड रिसर्च हेल्प करेगी ये अंडरस्टैंड करने में कि कौन सी कीवर्ड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे उन ट्रैफिक को लेके आने में, जो बेसिकली नए रेस्टोरेंट्स या एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट्स या नई डिशेस ढूंढने में अपना टाइम लगा रहे हैं। और अल्टीमेटली जब आप उनको यहाँ विन करेंगे तो आपको रिजल्ट नज़र आएगा कि ये लोग चलकर आपके रेस्टोरेंट के अंदर आपसे खाने भी आएंगे। तो इसको अगर हम चेंज करें तो रेस्टोरेंट की जगह अगर मैं कैफ़े लिखूँ तो पॉसिबिलिटी है कि हमारी सर्चेस बदल जाएँ। जैसे मैंने कैफ़े सर्च किया तो आप देखेंगे कि कैफ़े नियर मी उसी तरह से एक टर्म आ गई, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि लोग अपने आसपास कैफ़ेज देखना चाहते हैं, उनको शायद नाम नहीं पता लेकिन अगर उनको भूख लगी है या उनको कॉफ़ी या चाय पीनी है तो अपने आसपास देखेंगे कि कौन सा कैफ़े है और वो चल के वहाँ चले जाएंगे। इसी तरह से लोग फैमिली रेस्टोरेंट या कैफ़े के मीनिंग भी ढूंढ रहे हैं, चीज़ बर्गर, अमेरिकन रेस्टोरेंट, ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे ये अंडरस्टैंड करने में कि आपकी ऑडियंस क्या सर्च कर रही है। जी ट्रेनीज, जैसे कि आपने देखा कि एक कैफ़े को भी डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है या वो भी सर्च पे रैंक करना चाहेंगे क्योंकि लोग हर तरह की चीज़ें सर्च कर रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी गूगल ने लोगों को प्रोवाइड की है कि लोग कुछ भी सर्च कर सकें और यही वो इन्फॉर्मेशन है जो गूगल अपने पास इंडेक्स करता है और यही वो आंसर्स हैं जो लोग गूगल लोगों को देना चाहता है। अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि क्या हम इससे भाग जाएं या क्या हम इसको एज एन अपॉर्चुनिटी समझकर इसको अडॉप्ट करें, क्योंकि अगर हम इसको अडॉप्ट करेंगे तो हम इससे विन कर सकते हैं, लेकिन जो इसको रेजिस्ट करते हैं वो अल्टीमेटली वो पीछे रह जाते हैं। तो गूगल एक एवोल्यूशन प्रोसेस से गुजरते हुए 20 साल बाद आज जो मशीन बन चुका है कि आप हर बंदा हर चीज़ गूगल पे जाके सर्च करते हैं, लेकिन क्या बिजनेसेस इस कदर इवॉल्व हो गए हैं जो सब चीज़ें गूगल के मुताबिक बना लें और गूगल पे रैंक करना शुरू कर दें? गूगल हमारी लाइफ का एक बहुत मेन हिस्सा बन चुका है और ये अंडरस्टैंड करने के लिए ही हमने ये कीवर्ड सर्चेस की, ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरह से लोग अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गूगल से जाके चीज़ें सर्च करते हैं। ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है और गूगल हमें अलाउ करता है कि हम बीइंग अ मार्केटर अपनी वेबसाइट बनाना चाहें तो हम इस डेटा को वहाँ पर अडॉप्ट कर सकते हैं। सवाल ये है कि कितने मार्केटर्स या कितने बिजनेसेस इस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको मैं ये बता दूँ कि आपको कौन सा बिज़नेस खोलना चाहिए क्योंकि इस पर इतनी सर्चेज हैं, तो आप बिल्कुल वो खोलना चाहेंगे और ये एग्जैक्ट वही डेटा है जिसके तहत आप वो डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आप ये नहीं लेंगे, आप मत लें, लेकिन आपके कंपेटिटर्स या आपके क्लाइंट्स के कंपेटिटर्स तो ले ही रहे हैं, वो आगे चले जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपका नुकसान है। सो SEO काफ़ी हेल्पफुल है और ये कीवर्ड रिसर्च सबसे प्राइमरी फोकस है। और इस केस स्टडी में और हमने मजीद जो बाकी केस स्टडीज़ की उसमें ये क्लियर हुआ कि कोई भी बिज़नेस आप ले लें, किसी भी तरह से आपको SEO करनी चाहिए ताकि जो लोग सर्च कर रहे हैं आप उनको डिसीजन मेकिंग में, उनकी सेल्स फनल में या उनकी बाइंग साइकिल में, जो भी प्रोसीजर में वो स्टेज पर हैं, आप उनको हेल्प करें और उनको सेल बनने में उनकी मदद करें, क्योंकि अगर आप उनको हेल्प करेंगे तो अल्टीमेटली आप अपना बिज़नेस ग्रो करेंगे।